चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। आम आदमी के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 जुलाई जून में देश का गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 11.13 करोड़ टन रहने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक तिलहन, गेहूं, चावल, दलहन, मक्का और गन्ने का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल कुल खाद्यान्न उत्पादन भी रिकॉर्ड 31.60 करोड़ टन रहने का अनुमान है। पिछले फसल वर्ष में यह आंकड़ा 31.07 करोड़ टन था। 2020-21 के फसल वर्ष में गेहूं का उत्पादन 10.95 करोड़ टन दर्ज किया गया था। फसल वर्ष 2021-22 में चावल का उत्पादन रिकॉर्ड 12.79 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले फसल वर्ष में चावल का उत्पादन 12.43 करोड़ टन दर्ज किया गया था। 2021-22 में दलहन उत्पादन सर्वकालिक उच्च स्तर 2.69 करोड़ टन पर रहने का अनुमान है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में दलहन का उत्पादन 2.54 करोड़ टन था। 2021-22 में मोटे अनाज का उत्पादन घटकर 4.98 करोड़ टन रहने का अनुमान है। पिछले साल यह आंकड़ा 5.13 करोड़ टन था। दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 में तिलहन उत्पादन 3.71 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान है, जबकि पिछले फसल वर्ष में तिलहन उत्पादन 3.59 करोड़ टन था। सरसों उत्पादन रिकॉर्ड 1.14 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 1.02 करोड़ टन था। कपास उत्पादन घटकर 3.40 करोड़ गांठ, जिसमें एक गांठ 170 किलो की होती है, रहने का अनुमान है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार में, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।